हाय गाइस, क्रिकेट विद दीप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंगल ब्लेड बैट और डबल ब्लेड बैट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली जो डिफरेंस होता है, यूट्यूब में जितना भी वीडियो देखा हो, सारे के सारे आधा इन्फॉर्मेशन या तो गलत बताया गया है। तो इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए आपको अगर जानना है तो। गाइस, इसका पहला पॉइंट है थिकनेस। सिंगल ब्लेड बैट का 40 मिलीमीटर के अंदर होगा, जो ICC रूल के हिसाब से होता है। लेकिन डबल ब्लेड बैट का क्या होता है, थिकनेस 45 से 50 मिलीमीटर तक जा सकता है। ये थिकनेस इसका और इसका कैमरा में दिखाओ, इसका और एक साइड व्यू भी मैं दिखा दूंगा, जिससे आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट है स्वीट स्पॉट। इसका जो स्वीट स्पॉट होगा मिडिल ओरिएंटेड होगा सिंगल ब्लेड का, लेकिन डबल ब्लेड बैट में स्वीट स्पॉट हमेशा मिडिल से नीचे तक जाता है। इसका देखो, मिडिल और नीचे दोनों लगभग सेम होता है, तो इसका स्वीट स्पॉट मिडिल से नीचे तक ओरिएंट होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है। डबल ब्लेड बैट का ये फ़ायदा है सबसे बड़ा। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो सिंगल ब्लेड बैट होगा उसका एक साइड फ्लैट होता है और दूसरा साइड ट्राइंगल टाइप का होता है। तो एक साइड फ्लैट इससे खेल सकते हैं, लेकिन डबल ब्लेड बैट में क्या होता है, ये साइड फ्लैट है, दूसरा साइड बी फ्लैट, तो इसका दो एजेस फ्लैट होता है। ये डबल ब्लेड और सिंगल ब्लेड बैट का डिफरेंस हो गया। ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद ही कोई कन्फ्यूज़न रहेगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ।